हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ गौड़ फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करूंगा जॉब वर्क के विषय में कि जीएसटी का इफेक्ट जॉब वर्क पे क्या हुआ है। जी हाँ, तो आज मेरा पूरा जो फोकस होगा वो जॉब वर्क वालों के लिए होगा कि जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टी हैं, जो जॉब वर्क का काम करते हैं, तो उनके ऊपर इस जीएसटी के आने पे क्या इफेक्ट हुआ है। तो चलिए आज कुछ इस विषय में ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा प्रिंसिपल है, जी हाँ, यानी कि जो जॉब वर्कर को जॉब वर्क के लिए माल देता है, तो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जब भी अपना गुड्स सर्विसिंग के लिए जब जॉब वर्कर को सप्लाई करता है तो उसको वो डिलीवरी चालान के ऊपर कर सकता है। जी हाँ, तो यहाँ जीएसटी के अंदर जो है एक जॉब वर्क में डिलीवरी चालान का जो है आप यूज कर सकते हो, यानी कि प्रिंसिपल अपने माल को जॉब वर्क के लिए जॉब वर्कर के पास डिलीवरी चालान के थ्रू भेज सकता है। और इस डिलीवरी चालान में बकायदा उसको अपने माल का विवरण, रेट ऑफ टैक्स, एचएसएन कोड को भी मेंशन करना होगा। जी हाँ, और इसके साथ साथ उसको माल का यूनिट्स वगैरह सभी चीजें जो है रिक्वायर्ड वो सब उसके अंदर मेंशन करनी होंगी। अब बात आती है कि जॉब वर्क कर जो भी है, जो जॉब वर्क कर रहा है आपका, वो यदि उस माल को जिस माल का वो आपका आपके माल का जो वो अपने यहाँ जॉब वर्क कर रहा है, अगर वो माल वो रिमूव नहीं करता है एक साल के अंदर अंदर, ऐसे माल जिसके ऊपर इनपुट मिलना है, जी हाँ, इनपुट वाले माल को, यदि इनपुट गुड्स को यदि वो एक साल के अंदर रिमूव नहीं करता है आपको, तो उस कंडीशन में उस इनपुट गुड्स को सप्लाई मान लिया जाएगा। और उस केस में प्रिंसिपल को, जी हाँ, प्रिंसिपल को जिस दिन से उसने डिलीवरी चालान पे जॉब वर्क के लिए वो गुड्स को भेजा था, उसी दिन से उसको उसका बिल जनरेट करना पड़ेगा और इसके साथ साथ उसको उसके ऊपर का जीएसटी टैक्स भी देना होगा विथ इंटरेस्ट। जी हाँ, यानी कि प्रिंसिपल ने जिस दिन उस माल को जॉब वर्क के लिए जॉब वर्कर के पास भेजा था, वो उसी दिन से उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। यदि एक साल के अंदर वो जॉब वर्कर उस इनपुट गुड्स को रिमूव नहीं करता, तो उस केस में जो प्रिंसिपल है वो बकायदा एक टैक्स इनवाइस उसी डेट से जनरेट करेगा और उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करेगा विथ इंटरेस्ट के साथ। और यदि हम कैपिटल गुड्स की बात करें, यदि प्रिंसिपल ने कोई कैपिटल गुड्स दिया है जॉब वर्कर को जॉब वर्क करने के लिए, तो फिर वो जॉब वर्कर उसे 3 साल तक अपने पास रख सकता है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा वो अपने पास नहीं रख पाएगा। अगर 3 साल में वो उस गुड्स को रिमूव नहीं करता है, तो फिर उस केस में उसको भी जीएसटी की तरफ से सप्लाई मान लिया जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल की तरफ से उसको सेल मान लिया जाएगा। और फिर प्रिंसिपल को भी उस जो कैपिटल गुड्स को उसने जॉब वर्कर के पास भेजा था, उसको भी उसके लिए टैक्स इनवाइस जनरेट करना पड़ेगा और प्रिंसिपल को उसके ऊपर बकायदा टैक्स भी देना होगा विथ इंटरेस्ट के साथ। तो ये चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर प्रिंसिपल ने अपने जॉब वर्कर को कोई भी गुड्स दिया है जॉब वर्क करने के लिए, तो वहां पे जो जॉब वर्कर है, अगर वो रजिस्टर्ड है, जी हाँ, अगर वो रजिस्टर्ड है, तो वो डायरेक्ट वहां से यदि प्रिंसिपल चाहे कि मेरे जो गुड्स है उसका जो वहां से सीधा सप्लाई बाहर हो जाए, यानी वो सीधा वहां से सप्लाई हो जाए जिसको वो देना चाहता है, वहीं से एक्सपोर्ट हो जाए, तो उस केस में अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, उसका अपना जीएसटीएन नंबर है, तो फिर जॉब वर्कर भी वहां से उस माल को रिमूव कर सकता है जिसको भी प्रिंसिपल चाहे। लेकिन यदि जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है, अनऑथराइज है, तो उस केस में प्रिंसिपल को जॉब वर्कर से डायरेक्ट रिमूव करने के लिए उस माल को, पार्टी को, उसके लिए सबसे पहले प्रिंसिपल को उस जॉब वर्कर के एड्रेस को, यानी कि अपने जीएसटीएन में एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के तौर पे दिखाना होगा, तभी उस केस में जो है वो जो अनऑथराइज जॉब वर्कर है वो माल को रिमूव कर पाएगा, यानी दूसरी पार्टी को वो दे पाएगा जिसको भी हमारा प्रिंसिपल चाहता है। तो इस केस में 2 चीजें ध्यान देने वाली बात है कि यदि मैंने बताया कि यदि जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है जीएसटीएन नंबर में, उसका अपना एक नंबर है
नॉर्मल टैक्स पेयर है तो उस कंडीशन में वो प्रिंसिपल के बिहाब पर उस माल को जहां भी प्रिंसिपल चाहे वो उसको जो है डायरेक्ट अपने एड्रेस से सीधा जो है जिसको भेजना है वहां माल वो रिमूव कर सकता है। लेकिन यदि जो जॉब वर्कर है वो अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में प्रिंसिपल यदि चाहता है कि जॉब वर्कर से वो डायरेक्ट माल की आगे जो रिमूवल दिखा दे तो उस केस में उसको जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस को अपने संग जीएसटीएन में ऐड करना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यदि प्रिंसिपल ने कोई भी ऐसे गुड्स को टैक्स इनवाइज में कन्वर्ट किया है जो कि इनपुट वाला था और वो जॉब वर्क के पास जॉब वर्क लिए गया था लेकिन वो एक साल में उसका रिन्यूअल नहीं हुआ तो उस केस में प्रिंसिपल को उसका इनवाइस काटना पड़ा, तो वो जो इनवाइस उसने जॉब वर्क के ऊपर लगाया, जॉब वर्कर के ऊपर लगाया, तो जॉब वर्कर का ये एक सीन यहाँ ये होगा कि यदि वो ऑथराइज होगा तो फिर वो उस जीएसटी का इनपुट ले सकता है, लेकिन यदि वो ऑथराइज नहीं हुआ तो उस केस में वो टैक्स सीधे सीधे गवर्नमेंट खाते में चला जाएगा, फिर उसका जो है अनऑथराइज जॉब वर्कर उसका क्रेडिट यानी इनपुट का क्रेडिट उस जीएसटी के इनपुट का क्रेडिट नहीं ले पाएगा। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे थोड़ा जो मैंने आपको जॉब वर्क के विषय में जो थोड़ी सी डिटेल दी तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में जॉब वर्क में क्या इफेक्ट होने वाला है जीएसटी का। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस यही आपको ध्यान देना है कि जिसको भी आपने माल के यानी कि प्रिंसिपल ने यदि किसी को जॉब वर्क के लिए काम दिया है, कोई गुड्स सप्लाई किया है, तो वो डिलीवरी चालान पर करेगा। और इसके साथ साथ एक साल के अंदर यदि ऐसा कोई इनपुट गुड्स है जो कि अभी तक जो है रिमूवल नहीं हुआ है जॉब वर्कर के पास से, तो उस केस में उसको सप्लाई मान लिया जाएगा जीएसटी की तरफ से। और फिर उस केस में जो है प्रिंसिपल को बकायदा जिस डेट से वो माल गया था सर्विसिंग के लिए या मोडिफिकेशन के लिए, तो उस केस में उस डेट से ही उसको टैक्स इनवाइस माना जाएगा और प्रिंसिपल को उसके ऊपर बकायदा जीएसटी टैक्स भी देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट के साथ। इन केस अदर केस यानी कि कैपिटल गुड्स के केस में, तो कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल की मोहलत दी गई है कि 3 साल के अंदर जॉब वर्कर को उस जो कैपिटल गुड्स आया है जॉब वर्क के लिए उसको उसको रिमूव करना होगा, नहीं तो फिर उसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा और उस केस में भी प्रिंसिपल को उसका उसी डेट से जिस डेट से वो वहां गया है डिलीवरी चालान पर जॉब वर्क के लिए जॉब वर्कर के पास, तो उसी डेट से उसको वो टैक्स इनवाइस माना जाएगा यानी कि सप्लाई माना जाएगा, उसको प्रॉपर उसके ऊपर टैक्स भी लगाना होगा प्रिंसिपल को विथ जीएसटी के साथ। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव को ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड करते रहिएगा। मैंने जितना भी अभी तक आपको जॉब वर्क के विषय में बताया आप इसको मुझे आशा है कि अच्छे से समझ गए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उनको लिख सकते हैं, आपको इसका रिप्लाई भी जरूर मिलेगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।